ଲୁଇଗଙ୍ଗ ଷ୍ଟଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲସ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ମେସିନ୍ରେ କୌଣସି ଡିଜେଲ କି ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଚାଲିବ। ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥୋଡ଼ା ବତା। ମେରା ନାମ ଅସଦ ହେ ଜି। ୟେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଇନଫ୍ରାକୋର କା ଲୁଇଗଙ୍ଗ କା ୟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଇଟମ୍ କ୍ୟା କ୍ୟା ଅଭି ହେ ଷ୍ଟଲ ମେ ଜି? ତୋ ଲୁଇଗଙ୍ଗ ଯୋ ହେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ହେ ମଶିନ୍ସ କା, କନ୍ସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କା। କୋଣାର୍କ ଇନଫ୍ରାକୋର ହମାରା ପ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଲରସିପ ହେ ଲୁଇଗଙ୍ଗ କେ ପ୍ରଡକ୍ଟସ କା, ଠିକ୍ ହେ। ତ ଲୁଇଗଙ୍ଗ କା ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୟା ହେ, ଅଭି ଆଜ କେ ଡେଟ୍ ମେ ଚାର ଅଲଗ ଅଲଗ ଭର୍ଟିକଲ୍ସ ମେ ଆତା ହେ। सबसे पहला वर्टिकल आपका जो है वो रोड सॉल्यूशन है, जिसका मशीन आपका यहाँ पे सामने खड़ा है। ये मेरा एक सॉयल कंपैक्टर है, 11 टन वेट क्लास कैटेगरी में है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल्स भी लिखी हुई है, जैसे कि मेरा 110 हॉर्स पावर का मशीन है, किर्लोस्कर का इंजन लगा है इसमें, ठीक है। और ये 11 टन वेट क्लास में आता है ये मेरा सॉयल कंपैक्टर। इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि जब रोड वगैरह जैसे बन रहा होता है तो मिट्टी डाल के मिट्टी को जब दबाना होता है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। आपने देखा होगा और भी मशीनें आती होंगी जिसमें दोनों साइड में रोलर लगा होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है वो भी हमारे पास है, यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं है बट अगेन पूरा कंप्लीट रेंज है। उसका काम होता है जब पिच्छू पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको रोड को दबाने के लिए सिर्फ काम होता है, वहाँ पे यूज होता है। सिमिलरली मेरा जैसे बहुत एक्सट्रीम फिनिशिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे एयरपोर्ट के रनवेज होते हैं तो उसके लिए न्यूमेटिक रोलर्स आते हैं, वो भी हमारे पास मिल जाएंगे। फिनिशिंग टचेस के लिए इसको यूज करते हैं। ये सॉइल के लिए है, रोड के लिए आपका टैंडम रोलर आ जाएगा, उसके ऊपर न्यूमेटिक रोलर चलता है, न्यूमेटिक टायर रोलर्स वगैरह आते हैं। तो ये इसका जो ड्रम का वेट कितना होगा? सिर्फ ड्रम का? सिर्फ ड्रम का देखिए वेट से नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर वाइब्रेटरी मोटर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये चलते हैं, वाइब्रेटरी मोटर चलाते हैं तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। कितना फोर्स क्रिएट करता है? ठीक है, इसका एग्जैक्ट मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा मतलब अगेन एक्सट्रीमली अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मैं इस मशीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ईवी डिवीजन में पूरा हैंडल। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आप देख पाते 3200-3400 हर्ट्ज भीतर आपको देखा मिलेगा। आ गोटे कथा होगी इंजन आप क्लोज करा सांगे ग्रॉस पावर होगी 110 HP 2200 RPM रे आपको देखापाई का मिलेगा। ये जो इसका रेंज कितना से प्राइसिंग कितना शुरू होता है? देखिए मशीन में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है, तो ऐसे एक्सट्रीमली मतलब एक ही उसमें क्या है कि अलग अलग फीचर्स के साथ निकाल के बताना पड़ता है कि अच्छा ये फैसिलिटी चाहिए तो इतना प्राइस पड़ेगा। अभी ये आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। मशीन जो है लुइगोंग का वो 30 लाख से स्टार्ट होता है। ये वाला नहीं, मतलब ओवरऑल मशीन में 30 लाख से स्टार्ट होता है और वो 2.5 करोड़ तक जाता है मेरा। इसका अगर जो सामने है उसका प्राइसिंग क्या है? इसका प्राइसिंग वेरी करता है, यू नो आप समझ लीजिए 35 लाख प्लस माइनस 20%। इसका हमारा जो डीलरशिप है भुवनेश्वर में कहाँ पे है? देखिए इसका जो है पैन उड़ीसा डीलरशिप आपका कोणार्क इंफ्राकोर है। भुवनेश्वर में आप ऑफिस की अगर बात करेंगे तो भुवनेश्वर में मेरा इन्फो सिटी में ऑफिस भी है, वर्कशॉप भी है, ठीक है, और यहाँ स्टॉकयार्ड भी है। पूरे उड़ीसा में कम से कम मेरा जो है 12 से 15 मतलब 12 मेजर और 3 जो है सैटेलाइट कस्टमर चेक पॉइंट्स हैं। लुइगोंग के बारे में बात करिए, कौन सा जी? लुइगोंग इंडिया जो है मेरा एक सब्सिडरी है लुइगोंग ग्लोबल का, ठीक है। तो लुइगोंग ग्लोबल मेरा MNC है, इंडिया के बाहर भी चलता है, इंडिया के बाहर भी चलता है, इंडिया के बाहर भी है, ठीक है। लुइगोंग इंडिया का मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इंदौर के पास धार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पीतमपुर वहाँ पे है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हील लोडर है। इसका मॉडल नेम क्या है? इसका मॉडल नेम है 856 HEV, ठीक है। ये 100% फुली इलेक्ट्रिक है, डीजल का कोई झंझट नहीं है, यूरिया का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लुइगोंग इंडिया की, लुइगोंग की अगर आप बात करेंगे ग्लोबली तो लुइगोंग हमेशा से जो है इनोवेटर रहा है, ट्रेंड सेटर रहा है, स्पेशली इन व्हील लोडर सेगमेंट। इसका अगर बताएं ओरिजिन क्या है, कंट्री का ओरिजिन? कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ लुइगोंग इज चाइना, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि लुइगोंग आपका ट्रेंड सेटर रहा है व्हील लोडर सेगमेंट में, ग्लोबली सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हील लोडर लुइगोंग ले गया है, इंडिया में भी सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हील लोडर लुइगोंग ले गया है। January 31st, 2023 को हमने इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हील लोडर लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने ही जो है इसका फीता काटा था, इनॉग्रेट करा था। ये इसका स्टार्टिंग रेंज है, इससे भी बड़ा है ये मशीन मेरा। अगेन इसमें क्या है, अभी इंडिया में हमारा 2 वेरिएंट है। एक जो है मेरा 820 TE मॉडल है जो कि 2 टन वेट कैटेगरी में है। ये मॉडल है 856 HE, इसका पेलोड कैपेसिटी इज़ 5.8 6 टन, यस, बकेट का लिफ्टिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये मेरा इसका बैटरी सिस्टम क्या है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है, 10 सेल का बैटरी है मेरा, ठीक है, 5 सेल एक लेवल पर, 5 सेल एक लेवल पे, ठीक है। इसका जो मेरा साइकिल है वो लगभग जो है आप 8 से 9 घंटा पकड़ लीजिए कि 1 घंटा आप चार्ज करिए, 8 घंटा चलाइए, ठीक है। तो ये मशीन मैक्सिमम 75 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो 1 घंटा 15 मिनट में आपका, ठीक है, जीरो से हीरो हो गया। कैपेसिटी कितना? बैटरी का जो कैपेसिटी है वो मेरा 350 यूनिट्स का है, पावर स्टोरेज का 350 किलोवाट आर, ठीक है। तो जैसे घर में हमारा बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है,
कि 250 यूनिट कंज्यूम हुआ, 300 यूनिट कंज्यूम हुआ, तो सिमिलरली इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 350 यूनिट्स है। इसका जो वर्किंग रेंज है कितना आवर तक है? जैसे मैंने बोला कि 8 से 9 घंटा पकड़ लीजिए कि 1 घंटा चार्ज करिए, 8 घंटा चलाइए। ये जो चार्ज होता है वो कितना फास्ट चार्ज होता है, कितना किलोवाट का चार्जर? 75 मिनट्स मैक्सिमम, मतलब अगेन कि मिनिमम से मैक्सिमम चार्ज 75 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। कितने किलोवाट का चार्जर है? चार्जर मेरा, जैसे कि ये मेरा बैटरी मैंने बताया, ठीक है, हैवी है, ठीक है, तो वो 250 जो है किलोवाट, किलोवाट 350 यूनिट्स, 350 किलोवाट आवर्स का चार्ज वो है, बैटरी स्टोरेज है। ये अभी ये जो ये मॉडल ये वाला मॉडल कहाँ कहाँ पे चल रहा है अभी? ये वाला मॉडल मेरा इंडिया में कई जगह पे चल रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट में चल रहा है, आपका रायगढ़ में JSW का प्लांट है वहाँ पे चल रहा है, उत्तराखंड में स्टोन क्वेरी में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, यहाँ आप उड़ीसा की आप बात करेंगे तो मेरा राउरकेला में चल रहा है। जी ये अगर बात करेंगे इसका जो परफॉर्मेंस है उनका रिव्यू क्या कैसा है? देखिए परफॉर्मेंस का दोनों चीज़ें हैं, इन टर्म्स ऑफ यू नो पावर एंड परफॉर्मेंस दिस मशीन इज़ फार एफिशिएंट दैन द एग्जिस्टिंग डीजल इंजन मशीन दैट वी हैव। जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, जो मेरा साइकिल टाइम होता है उस मशीन में 9.6 सेकेंड्स का है, इस मशीन में मेरा साइकिल टाइम 9 सेकेंड्स का हो जा रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ठीक है, एफिशिएंसी दिस मशीन इज़ बेटर। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉस्ट सेविंग आल्सो, आपका वो मशीन जो आपका डीजल इंजन मशीन है उसका आप अगर एवरेज पकड़ेंगे लेट से 1500 का सिर्फ डीजल और यूरिया लग रहा है 1 घंटे में, ठीक है। सिमिलरली फॉर द सेम एप्लीकेशन की जहाँ पे वहाँ पे आपका लेट से 1500 आपका पर आवर डीजल यूरिया का कॉस्ट हो रहा है, इस मशीन का आपका जो यूनिट कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा मैक्सिमम 45 यूनिट्स होगा। आज के डेट में उड़ीसा में बिजली के रेट को आप उसको कन्वर्ट करेंगे पैसे में अगर पर यूनिट रेट से तो 8 × 5 = 40 = 32 = 36 के अंदर ही आएगा आपका, कितना 32 × 36 = 360 पर आवर का आया। पर आवर 360 जी, तो कहाँ 1500 कहाँ 350 400। इलेक्ट्रिक आप देखो तो यही आप बेनिफिट मिले, आउट कथा कह पावर लॉस बहुत कम हुए जेतु आपण मोटर कथा कि पावर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है। आपका IC इंजन में क्या होता है कि फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जो है सॉरी पावर प्रोड्यूस करके उसके बाद उसका यूसेज होता है, टू मच गियर्स एंड यू नो वर्क्स होता है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट मोटर तार से कनेक्टेड है बैटरी से, सर्किट पूरा हुआ, मोटर में पावर आ गया, मोटर रोटेट हो गया। इसकी वजह से वन ऑफ द मेनी रीजन दिस इज वाई कि आपका जो साइकिल टाइम 9.6 सेकंड से घट के 9 सेकंड्स का है हमारा। ये ऑपरेटर के बारे में बता, ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है जी इसको कितना यूजफुल होगा और कितना एप्लीकेशन? लाइक अगेन जो मेरा देखिए यूजुअली क्या होता है कि जब मेरा नया मशीन कहीं भी जाता है तो हम लोग प्रॉपर इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं ऑपरेटर्स का, चाहे वो नया ऑपरेटर हो चाहे वो पुराना ऑपरेटर हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगेन लाइक ये मेरा मशीन सेम ऑपरेटर आपका चला जाता है जो डीजल ऑपरेटर है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए आपको स्किल्स, क्योंकि अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है उसको हमने उतना ही सिंपल रखा है जितना सिंपल आपका डीजल इंजन का होता है। और साइज आप देख पाते कलर वेरियंट ये एक ही कलर में आता है, ये अगेन ईवी ग्रीन। तो इसकी जो सर्विस के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि सर्विस प्रोडक्ट तो सब लोग लेके आते हैं लेकिन सर्विस अपना इम्पोर्टेंट होता है। वही बोल रहा हूँ मैं कि जैसे अगेन पूरे उड़ीसा में आपका जो है मेरा 15 ऑफिसेज हैं, ठीक है, जाजपुर में है, बड़बिल में है, बड़बिल में जैसे क्या होता है माइंस एरिया है, एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, तो वहाँ हमारे छोटे छोटे सेटेलाइट ऑफिसेज भी हैं, कोयडा में है, ठीक है, बालेश्वर में एक ऑफिस है मेरा, भुवनेश्वर में मेरा एक हब है प्रॉपर जहाँ पर वर्कशॉप का काम भी होता है, संबलपुर में है, राउरकेला में है, कोरापुट जयपुर एरिया में भी हमारे ऑफिसेज हैं। तो छोटे छोटे मतलब जैसे जैसी मशीन का पॉपुलेशन मेरा डिवीजन है उस हिसाब से हमने अलग अलग ऑफिसेज बना रखे हैं पूरे उड़ीसा में। बैटरी गाड़ी तो लोगों को अच्छा लगता है, उनको सेफ्टी की प्रिकॉशन भी आते हैं क्योंकि सेफ्टी के दौरान आप देखेंगे तो बैटरी का वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, लिथियम पॉलीमर हो या लिथियम फॉस्फेट हो वो सेंसिटिव होता है। इसमें क्या कैसा सिस्टम कैसा है? आप जैसे पीछे देख रहे हैं बैटरी का सिस्टम मेरा पीछे दिया हुआ है, फुल्ली इंसुलेटेड है वो, उसमें आपको कुछ नहीं कर सकते। कूलिंग के लिए क्या हुआ है बैटरी के लिए मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो जैसे अभी हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, मेरा जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो मेरा सेफ्टी रेटिंग है दैट इज़ IP67, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अगेन सेफ्टी वगैरह हमने प्रिकॉशंस ले रखे हैं, बैटरी पैक इज़ कम्प्लीटली इंसुलेटेड, ठीक है। आपका आप पीछे देखेंगे तो मेरा जो है कूलिंग सिस्टम भी है, कूलिंग सिस्टम में मैंने 4 अलग अलग फ़ैन दे रखे हैं, 1 फैन इज़ डेडिकेटेड टू बैटरी कूलिंग ओनली, 2 फैन आर डेडिकेटेड टू द मोटर कूलिंग, आपका जो मोटर का फंक्शन है, ठीक है, एक हाइड्रोलिक मोटर एक फंक्शनल मोटर, 4th फैन जो मेरा है वो इंटरनल AC के कनेक्टेड है, AC कूलिंग के लिए है, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, मान लीजिए कि जैसे आपका सिर्फ AC का ही काम हो रहा है, मशीन खड़ा है और हाइड्रोलिक का काम हो रहा है, तो उस केस में जो है मेरे 2 ही फैन चलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है मेरा पावर भी कंज्यूम होता है, एफिशिएंट वर्किंग होता है। तो 2 चीज़ों पे स्पेशली हमने ध्यान दिया है, सबसे पहले तो ये है कि पावर कैसे हम इसको और मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, और दूसरा ये है कि इंटरनल लॉसेस हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, एफिशिएंट ज़्यादा हो। एग्जैक्टली,
तो दोनों चीजों पे पैरेलल में काम किया है। वारंटी के बारे में, बैटरी पे कितना वारंटी मिलता है अभी? का मेरा अभी जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मेरा है 4 years और 8,000 hours whichever comes earlier, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लाइफ द बैटरी लाइफ इज यू नो अप्रॉक्सीमेटली 21,000 hours। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे यूजुअली बैटरी की लाइफ डिवाइन होती है 4 cycles पे, ठीक है। ये मेरा 3,000 cycle तक जाएगा, तो लेट से मेरा 9 घंटे का साइकिल बन रहा है, 8 घंटा मशीन चलाइए 1 घंटा चार्ज करिए, तो 8 × 3,000, ठीक है, वो 24,000 घंटे तक चला जाएगा। आप 7 घंटा पकड़ेंगे तो 21,000 घंटे का जाएगा। 21,000 घंटा चलने के बाद भी जो मेरा बैटरी का स्टेट ऑफ हेल्थ होगा दैट वुड बी 70%, ठीक है। तो लेट से फॉर एग्जाम्पल अभी 100% बैटरी हेल्थ में मेरा मशीन 8 घंटे चल रहा है, ठीक है। 70% हेल्थ होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो जाएगा, वो 8 × 7, 5.6 hours जो है चलेगा, मतलब आप 5.5 घंटा पकड़ लीजिए। वो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर कितना वारंटी है जी? बाकी उसका जो मेरा मेजर कंपोनेंट है अपार्ट फ्रॉम द बैटरी, तो उसका मेरा स्टैंडर्ड वारंटी आता है 4,000 घंटे। इसका प्राइसिंग रेंज कितना आता है? अगेन ये मशीन आपका जो है इसमें भी देखिए अलग अलग वेरिएंट आते हैं, बैटरी के अलग अलग वेरिएंट आते हैं, एज वेल एज एप्लीकेशन वाइज अलग अलग वेरिएंट भी हो जाता है। कस्टमाइजेबल है? ठीक है, कस्टमाइजेबल है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है। स्टार्टिंग प्राइस है मेरा 2.25 crore बेसिक, ठीक है, वहाँ से स्टार्टिंग प्राइस होता है मेरा। यदि कितने संभव है कस्टमर रिव्यू भी देखा पाएंगे आम चेस्टा करूँ। ये आप चेन मेसीन देखिपे बकेट पूरा ऊपर अच्छी लुई गंग आपर रोचे, ये आम कौ मॉडल अच्छे? ये एक्सकेवेटर है, ये मॉडल मेरा 926EXT है, ठीक है। तो ये मेरा 26 ton वेट क्लास का एक्सकेवेटर आता है। और अगेन जैसा कि आप फीचर्स वगैरह दे रहे, तो इसमें क्या है कि जैसे स्टैंडर्ड बकेट इज 1.5 m³ का बकेट कैपेसिटी है, 1.5 m³ में आपका एप्लीकेशन रहेगा, ये स्टैंडर्ड बकेट है। हैवी एप्लीकेशन अगर होता है तो बकेट साइज छोटा हो जाता है। लेट से आपका कोई परमानेंट लाइट मटेरियल का एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कोल का एप्लीकेशन है, तो वो बकेट मेरा जो है 1.5 से घट के बढ़ जाता है 1.65 तक। Yes, it's mining again depending upon the application, it's up to you how you use it, but yeah, if you ask us, though, we would recommend this product for mining. And crusher has a very, you know, huge potential, a very big market for a product like this. पर आवर कितना फ्यूल इसका कंजप्शन? इसके लिए मैं आपको जो मेरे प्रोडक्ट मैनेजर हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, वो आपको बेटर बता पाएंगे। अगर ये इसके बारे में बताए, इसका वारंटी कैसा क्या है? स्टैंडर्ड वारंटी मेरा देखिए जैसे मैंने बोला कि 2000 घंटा फर्स्ट ईयर और बाकी उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी 2000 घंटे का, टोटल 4000 घंटे का मेरा वारंटी होता है। और सर इसका सर्विस के बारे में, स्पेयर पार्ट से? जी जी जी, तो वो अवेलेबल हो जैसे कि कोणार्क इंफ्राकोर जो है वो सिर्फ सेल्स का डीलरशिप नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज का भी कोणार्क इंफ्राकोर के ही अंडर में है। जो इसका सर्विस करते हैं, जो सर्विस इंजीनियर है, वो कितना कैपेबल है, कितना जल्दी हैंडल कर सकते हैं प्रॉब्लम को? मेरा जो टारगेटेड रहता है मीन टाइम टू रिपेयर MTTR जो होता है वो 48 hours होता है, इवन फॉर अ ब्रेकडाउन, इवन फॉर अ मशीन रनिंग विद अ प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है। तो 48 hours तो कोई भी लोकेशन हो, ठीक है, लोकेशन जो भी हो हमारा, इसीलिए इतने छोटे छोटे अलग अलग जगह पे सर्विस चेक पॉइंट्स हमने बना रखे हैं। मेनी टाइम व्हाट हैपेंस इज कि जैसे 10-15 मशीन 20 मशीन मेरा एक ही जगह पे चल रहा है, एक ही साइट पे एक ही कस्टमर के अंडर में चल रहा है, तो हम वहाँ पे सर्विस इंजीनियर भी डिप्यूट कर सकते हैं। कैबिन के अंदर के अंदर में जाके देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, आइए। बिल्कुल भाई, हम तो एक मशीन रोज ये ऑपरेटर भाई कहवा कमी कौन नॉर्मल ऑपरेटर ना कमी कौन अच्छे ट्रेनिंग ना पड़ो? नहीं नॉर्मल ऑपरेशन किसी ट्रेनिंग ना पड़ो ना नाटा भाई कहते हैं प्रताप कुमार मल्लिक प्रताप जी आछने हमर सारे हमर कोविड डियोटा डिस्प्ले देखि पारथुवे। स्टार्टिंग जदी करिए गाटा केमि स्टार्ट करे? स्टार्ट इनिशियल हम की इग्निशन स्विच अछि, इग्निशन स्विच रे हम की स्विच लगेले तारो ठीक 2 सेकंड पर स्टार्ट करि परिया, काहे ना फुल्ली इलेक्ट्रिकल सप्लाई हे सला पारे, तापर इंजन रेडी हे सला पारे हम स्टार्ट करि परिया। ये भाई BS4 आछने कोन से? मैं बी BS4 BS2 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 अच्छे बर्तन आपड़े देखिपे सीट क्या कहे आपको एयर सस्पेंशन मिल जाए अपरेटिंग कह पूरा सहज किसी समय देखे आप जानपर सब नर्माल अपरेटर जो मैंने अलरेडी यूज करेंगे किसी आप ट्रेनिंग देदेले भी सी जापर कि आम कह भाई हाइड्रोलिक फंक्शन फंक्शन कर आमर भाई जो जिन आप्लिकेशन माइनिंग एरिया हो कौन हो सब जिन अभी गोटे जिन मेजर प्रोब्लेम होने देखिए सर्ट आउट करने के समय लगे तथा तथा सर्ट आउट हाइड्रोलिक किसी प्रोब्लेम आसला ऑयल जाऊन कि आपर कह बकेट उठूनी कैसे समय कौन भाई तथा लगे सर्ट आउट करने 8 ঘন্টা 7 ঘন্টা भितर से सर्ट आउट हो जाए किसी प्रोब्लेम नहीं है। आ इलेक्ट्रिकल जदी फॉल्ट आसीला इलेक्ट्रिकल से सेमिते 3-4 घंटा लागिवो आगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट टिक अधिक समय लागे जदी कह मेकॅनिकल अपे के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हां सेटा क्रिटिकल टिके रहउची काहेकि ना इलेक्ट्रिकली सब चेक चेक करिया पे टिके क्रिटिकल रहउची। आ केते पावरफुल भाई मशीन रहइबो?
ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାଇ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତେଲ ଚୋରି ହେଇଯାଏ, ମେସିନ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆର ସେନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ୍ GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କଷ୍ଟମର୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖେଇଦେବ, ଏତିକି ଲିଟର ପଡ଼ିଲା, ଏତିକି ଲିଟର କନଜପ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମେସିନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛି, କଷ୍ଟମର୍ ପାଖରେ ଡିଟେଲ୍ସ ତାର ଡାଟା ପହଞ୍ଚିବ ନାଇଁକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାଲିକମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ମେସିନ୍ କେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛି, ଅପରେଟର୍ ଯେତିକି ସମୟ କହୁଛି ସେତିକି କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ କି କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକେସନ୍ କୁହାଯାଇଛି, ନମ୍ବର୍ ବି ହେବ ଯଦି ସୁବିଧା, ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଭାଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାର୍ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଇଗଙ୍କର ମେସିନ୍ ସବୁ କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ଯଦି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।